काल नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे कक्षा 10 हिंदी अध्ययन। मैं रईस मोहम्मद, व्याख्या का नंबर अध्ययन शौक, साथ ही मैं संचालक हूँ इस कंप्यूटर सेंटर का, जिसका नाम है सुंदर जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य शिष्य सूरदास पश्चात के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच प्रभाव पर रहते थे। कुछ श्री नासी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में काफुरी में उनका निधन हुआ। उनके तीन ग्रंथ सरदास अब के कभी खबूत सम चह चह करते।